ये भीड़ देख रहे हैं आप? आप भी इसी भीड़ पे खो जाएंगे कहीं, अगर आपने अपनी पहचान नहीं बनाई सही समय पर। तो सही समय का मतलब है जो समय अभी आपके पास है उसे अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। तो पहले बात करते हैं अपने एम, अपने लक्ष्य को लेकर। लक्ष्य को लेकर पॉजिटिव सोचें, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचो अपने गोल को लेकर। कभी भी नेगेटिव मत होना, और सबसे बड़ी बात है कि खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। कंपेयर करोगे तो आगे कभी नहीं जाओगे। कंपेयर करके हम अपनी बेइज्जती करते हैं और खुद को लो फील करवाते हैं, खुद को छोटा फील करवाते हैं, जिस वजह से हम अचीव नहीं कर सकते। हमें लगता है वो ज़्यादा ग्रेट है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये बहुत गलत थिंकिंग है। ये थिंकिंग सबसे पहले अपने माइंड से हटाओ। ये सोचो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यू कैन अचीव, यू कैन डू एनीथिंग। आपके अंदर भी वही कैपेबिलिटी है जो उसके अंदर है, हो सकता है आपके अंदर ज़्यादा हो। आप कंपेयर मत करो, ऐसे कैसे मान ले कि वो जो बंदा कर रहा है वो सही है। हाँ, कुछ बड़ी पर्सनैलिटी उससे अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो मान सकते हो, बट फिर भी उससे कंपेयर मत करो। तो पर बिलीव मत करो, हो सकता है वो एक प्रिटेंडिंग पर्सनैलिटी हो। क्या ज़रूरी है कि वो सच में वैसा होगा जिस तरह वो दिख रहा है? नहीं, नहीं हो। मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आप अपने गोल को लेकर बिल्कुल कैसे पाया जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम करो और अपने अंदर की कमी को पहचानो। अपने अंदर खुद को जानो और अपने गोल को अचीव करने के नए नए स्ट्रेटेजी अपनाओ। यही है पहली बात। और अब हम दूसरी बात करते हैं, नंबर टू। आप यहाँ पे देख रहे होंगे गोल सेटिंग। गोल सेटिंग तो है, बट इससे पहले जो है वर्क ऑन योर वीकनेस। अब अपने वीकनेस को पहचानो, वीकनेस किसी चीज़ में है तो क्यों है, उसके ऊपर वर्क करो और अपने वीकनेस के ऊपर इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि वो जो वीकनेस है आपका वो आपका स्ट्रेंथ बन जाए। उसको ज़्यादा दिनों तक अपनी वीकनेस बने रहने मत देना। वीकनेस आपके रास्ते में थ्रेड बन के रहती है, जब तक वीकनेस रहेगा यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। पहले आप अपने वीकनेस पर काम करो, ठीक है, जो भी आपका वीकनेस है, ताकि वो आपका वीकनेस ना रहे ज़्यादा दिनों तक। ओके, जब तक ये वीकनेस रहेगा, अड़चने आपकी आते रहेगी अचीवमेंट के रास्ते में, तो पहले इसको ख़त्म करो आप वीकनेस को। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी, लंबे वीडियो, इससे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और उससे अच्छा आप इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ सीख लो। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ छोटा वीडियो बनाने की। ओके, चलिए, तो आपने समझ लिया कि हमें सबसे पहले तो वीकनेस पे काम करना चाहिए। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, और दूसरी बात हमारी है डिसअपॉइंटमेंट। कभी भी डिसअपॉइंटमेंट को अपने अंदर आने मत दो। ये आती क्यों है? व्हेन वी एक्सपेक्ट टू मच समथिंग हाई, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं या फिर हम सोच लेते हैं कि ऐसे होगा, इमेजिनेशन ज़्यादा कर लेते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, देन वी विल डू दिस एंड दैट, तो अचानक से जब रिजल्ट वैसा हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता नहीं है ना, तो डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। तो ये अपने अंदर आने मत दो। अगर हो रहा है आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, तो यू वर्क अगेन ऑन इट। सो यू आर नॉट द वन जिस पे डिसअपॉइंटमेंट आती है। हर किसी बात, अगर हम कोई भी चीज़ शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो एक बार ऐसा आता ही है हर किसी के लाइफ में कि हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। और ये इसलिए आता है बिकॉज वी एक्सपेक्ट टू मच। तो जब हम किसी चीज़ के लिए इतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, देन उतनी ज़्यादा मेहनत भी तो हम करें। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, हमें खुद के साथ ईमानदार रहना चाहिए। हम अगर खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, और डिसअपॉइंटमेंट आना इज़ नॉर्मल। तो डिसअपॉइंटमेंट से आप घबराए नहीं, बस आप फिर से कोशिश करना स्टार्ट कर दो, उस पर वर्क करना शुरू कर दो जहाँ पे जो कमी रह गई थी, और परेशान मत होना इससे, खुद को मोटिवेट रखिएगा और ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, रीड फेलियर एंड सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी बस इसलिए मत पढ़ो बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेट, इसलिए भी पढ़ो बिकॉज यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। ओके, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से।
सक्सेस स्टोरी इसलिए पढ़ो व्हेन यू बिकम सो मच डिमोटिवेट अगर हो जाते हो समटाइम, जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस, तो वहाँ से जब हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ से हमें लगता है व्हेन ये कर सकता है देन व्हाई नॉट मी, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम अगर फेस करके उन्होंने सक्सेस अचीव करा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो सक्सेस स्टोरी से ना हमें ये सीखने को मिलता है, वी कैन कीप आवर सेल्फ मोटिवेट फ्रॉम देयर। एंड नाउ इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम एनीवनस मिस्टेक देन यू शुड लर्न, यू शुड रीड फेलियर स्टोरी। फेलियर स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा आप फेलियर स्टोरी पढ़ो, इससे ये फ़ायदा है कि फेलियर स्टोरी से आप उनकी गलतियों से सीख सकते हो। जी हाँ, फेलियर स्टोरी में ये फ़ायदा होता है कि आप उनकी गलती से सीख सकते हैं और इससे आपका समय बचेगा। आप अपनी गलती से भी सीखते हो राइट? आप कितने गलती करोगे? आप गलती करते हो फिर आपको एक्सपीरियंस होता है, आप उससे सीखते हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसे रिपीट नहीं करते। इससे आपका टाइम थोड़ा जा रहा है, तो अगर आपको किसी की गलती से सीखने को मिल रहा है तो आप उसकी गलती से भी सीखो, इससे आपका समय बचता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम, प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होती है। ये आपने सुना होगा और ये सच है, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। आपने बहुत सारे स्ट्रगलर को देखो, उनकी स्टोरी को पढ़ो, या फिर आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो इंटरनेट पर भी आप देख सकते हो। वहाँ से ऐसा लगेगा कि इनके प्रॉब्लम के सामने तो हम कुछ है ही नहीं, या फिर मे भी हमारी सेम स्टोरी होगी, सेम स्ट्रगल हमारी होगी, उनकी जो उन्होंने स्ट्रगल किया सेम वो हम भी कर रहे हैं। देन अगर वो अचीव कर सकता है इतनी स्ट्रगल को फेस करके, देन व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे बात ये होती है कि वो कभी हार नहीं माना प्रॉब्लम से, डेट्स वाई ही अचीव। और हम अगर हार मान जाएंगे तो नहीं हो सकता है। तो अगर आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब है सोल्यूशन भी है। आप हार मत मानो, आप अगर हार मानोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कभी भी। सोल्यूशन तभी मिलता है जब हम कभी हार नहीं मानते हैं। और कहीं एक जगह से अगर आपका रास्ता बंद हो चुका है, रास्ता बंद हो गया है, तो आप सोचो कि वो दूसरी रास्ते कौन सी है, वो कहाँ से मुझे मिल सकता है, कहाँ से मैं सक्सेस अचीव करूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो ज़रूर इसके दूसरे तरीके होंगे, वर्क ऑन डैट। ठीक है, बस आप कभी हार मत मानो यहाँ पे। चलिए आपको ये समझ में आया, अब हम दूसरी बात करते हैं। फिर हम लास्ट में बात करेंगे, नेवर गिव अप इन योर हार्ड टाइम। ओके, कभी भी गिव अप मत करो अपने हार्ड टाइम में। कोशिश करो आपके हार्ड टाइम में भी हाउ टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। अगर आप हार्ड टाइम हर किसी के लाइफ में आता है, पर हाउ टू डील विद डैट, कौन उसको अच्छी तरह से डील कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, देन यू कैन हैंडल इट इजीली, हैंडल हो जाता है वैसे लोगों से। और जिनसे नहीं होती है उनको मैं बता दूँ, आप इससे निराश मत हुआ कीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन और एवरीवनस लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये आपको ट्रबल कर रही है, परेशान कर रही है, देन रिमेंबर ये बस इसलिए आती है, चेक करती है आपकी क्वालिटी को, क्या जो आप जिस चीज़ की डिज़ायर है आप उसके लिए परफेक्ट हो। पहली बात तो ये क्वालिटी को चेक करने आती है और कुछ नहीं। और एक बात, अच्छे लोगों की पता है पहचान क्या है, जो अपने आप को हार्ड टाइम में पॉजिटिव रख लेते हैं। तो अगर आप खुद को रख लेते हो या फिर रखने की कोशिश करो हार्ड टाइम में पॉजिटिव, इससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगने लगेगी अगर आप खुद को पॉजिटिव रख लेते हो तो। और हार्ड टाइम से घबराना नहीं है आपको, कोशिश कीजिए। अगर आपके चारों तरफ कुछ ऐसी हार्ड टाइम में कुछ समझ में नहीं आता, आई अंडरस्टैंड कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शायद वीडियो भी कोई उस समय सुने ना, फ़ोन फेंक दे, या फिर सामने अगर मिले तो वहीं पे मार दे, ऐसा वाला फील होता है। बट मैं यही बताना चाहूँगी कि खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखोगे तो हर चीज़ सही लगता है, आसपास हर कुछ पॉजिटिव नज़र आते हैं हमें। और
जैसे ये हार्ड टाइम आपकी लाइफ में आया है, ऐसा नहीं है वो कभी जाएगा नहीं, जैसे वो आया है वो चला भी जाएगा। मेन वर्क आपको ये करना है यहाँ पे कि हार्ड वर्क में, सॉरी हार्ड टाइम में ना आपको उसके ऊपर काम करना है। जिस चीज़ के कारण आप गुजर रहे हो मुश्किल से, आप कोशिश कीजिए उसको बेस्ट टाइम बनाने की। आप उसको अगर बेस्ट बनाते हो तो ये हार्ड टाइम कोई हार्ड टाइम नहीं है, आपका बेस्ट मोमेंट बन जाएगा अगर आप इसके ऊपर काम कर ले। और कोई रीज़न नहीं रहेगा जिससे आपको कोई फेलियर आ सके, बस आपको उस पर परफेक्ट होना है और आपको सक्सेस अचीव होती है अगर आप ऐसे एटीट्यूड अपने अंदर रखते हो तो। तो मुझे आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये जरा भी हेल्पफुल लगी और आपको मदद करेगी आपको लगता है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए ये कैसा लगा। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन प्रेजेंट कोई भी ट्रबल से गुजर रहे हो, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, इट विल हेल्प यू। और अगर इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होने वाला है ऐसा, अगर ऐसा कुछ आपने फेस किया नहीं है इन फ्यूचर, अगर कुछ ना हो ऐसा कुछ, अगर होता है तो आप इसके लिए रेडी रहो, इन फ्यूचर आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। अगर आप ये सब चीज़ अभी से जान लो तो हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेट, ये क्वालिटी अपने अंदर डाल लो। एक बार ये आ जाता है ना तो कोई कुछ कर नहीं पाता, ये बात सच है। मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब मुझे जरा भी डिमोटिवेशन नहीं होता है। आई नो हाउ टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये मेरा खुद का लिखा हुआ है नीचे में सहानी, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज आप फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। वहाँ से बहुत सारे मोटिवेशन पोयम और मोटिवेशन टिप्स, हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेट और बहुत कुछ लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर लीजिए, चाहो क्या आप कर ही लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।